लेजेंडरी सिंगर लता मंगेशकर के निधन के बाद म्यूजिकल इंडस्ट्री में सूनापन आ गया है। उन्हें उस सूनेपन को कभी नहीं भरा जा सकता। सिंगर राहुल वैद्य भी स्वर कोकिला के निधन से काफी दुखी हैं। राहुल शिवाजी पार्क में लता दीदी को अंतिम विदाई देने गए थे, लेकिन क्या आप जानते हैं लता मंगेशकर की चिता पर आग लगने से पहले राहुल वहां से चले गए थे। इसका खुलासा खुद राहुल वैद्य ने किया है। वो खुद को लकी मानते हैं कि उन्हें लता मंगेशकर के आखिरी दर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि देने का मौका मिला। राहुल ने एक इंटरव्यू में कहा, जब मैंने देखा लता दीदी की चिता को आग देने से पहले उनके पार्थिव शरीर से तिरंगा आखिरी बार के लिए उठाया जा रहा, हे भगवान, मैं अपने इमोशंस को बयान नहीं कर सकता था। मुझे दिल में काफी भारी महसूस हो रहा था, मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। ये बात बताते हुए राहुल का गला भर आता है। राहुल ने आगे कहा, जब उन्होंने तिरंगा हटाया, चंदन की लकड़ी के टुकड़ों में उनके पार्थिव शरीर को रखते हुए देखना मुश्किल पल था। ये असामान्य फीलिंग थी, मेरा गला भर गया था। और सच कहूँ तो चिता को आग देने से पहले ही मैं वहां से चला आया था, क्योंकि मैं ऐसी चीजें नहीं देख सकता था। तो मैं झुका, उन्हें श्रद्धांजलि दी और उन्हें आग लगाने से पहले ही चला गया। वहाँ कई लोग थे जो उनकी आखिरी झलक देखना चाहते थे। हमने कभी ऐसा नहीं सोचा था कि वो दिन आएगा जब लता दीदी हमारे बीच नहीं रहेंगी। एंटरटेनमेंट जगत से जुड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।